बैक टू माई YouTube चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और टेस्ट करने वाला हूँ कुछ अमेजिंग परमानेंट हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स जो कि Instagram सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हैं एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई देम आउट कि वो सच में वैसा वर्क करते हैं जैसा वो क्लेम करते हैं या फिर सिर्फ एक मिथ है। तो इसके लिए मैं आज लेकर के आया हूँ तीन बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट। एक है अर्बन मूज का हेयर रिमूवल वैक्स, एक है मामा अर्थ की हेयर रिमूवल क्रीम और ये है न्यूड की हेयर रिमूवल स्प्रे। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हम टेस्ट करने वाले हैं और ये तीनों के तीनों क्लेम करते हैं कि ये तीनों परमानेंटली हेयर रिमूव करते हैं। सो लेट्स ट्राई देम वन बाय वन। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है अर्बन मूज का हेयर रिमूवल पाउडर। ये एक्चुअली वैक्स पाउडर है, इसको यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है, इसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपको चाहिए आप उस पाउडर को लीजिए, उसको पानी या फिर रोज वाटर की हेल्प से मिक्स कर लीजिए एंड थिक पेस्ट बना करके जहां पे भी आपको बाल हटाने हैं वहां पे अप्लाई कर लीजिए। ये पड़ा है मुझे 300 रुपीस का, व्हिच इज सुपर अफोर्डेबल, सो आई कांट वेट टू ट्राई इट आउट, सो लेट्स डू इट। सो मैंने यहाँ पे इसके दो चम्मच लिए हैं, अब मैं इसमें वाटर मिक्स कर रहा हूँ और अब इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लूंगा। तो ये इस तरह से कुछ बन के आया है। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे काफी ज्यादा बाल है मेरे, तो मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर लिया है और अब मुझे इसको 5 से 8 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना है। सो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है, अब लेट्स वॉश इट ऑफ विद वाटर। सो गाइज यू कैन सी कि बाल साफ हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए हैं। गाइज हमने इसको ट्राई कर लिया और पूरी तरह से बाल नहीं हटे हैं, मतलब कि कई जगह से हट गए हैं कई जगह से नहीं हटे हैं और हटाने के बाद कई जगह बहुत ज़्यादा रेडनेस भी आ गई थी। एंड सबसे जो वर्स्ट पार्ट मुझे लगी इस प्रोडक्ट की वो थी इसकी स्मेल। स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस दे रहा था लेकिन जैसे मैंने इसको अप्लाई किया और सूखने का वेट किया उस टाइम पे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, अनबेरेबल थी। तो मैं इस हेयर रिमूवल पाउडर को दूंगा 10 में से सिर्फ 6 पॉइंट। नेक्स्ट वन इज न्यूड की हेयर रिमूवल स्प्रे। जहाँ पे भी आपको बाल हटाने हैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर लीजिए, लीव इट फॉर 6 मिनट्स। 6 मिनट्स के ऊपर आपको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे और उसको साफ करना ही है और ये परमानेंट हेयर रिमूव करती है। ये जो स्प्रे है ये भी 300 रुपये की है, सो लेट्स ट्राई इट आउट। तो अब मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ मेरे इस जगह पे, यहाँ पे भी मेरे काफ़ी सारे बाल हैं, इधर के तो पूरी तरह से नहीं हटे, सो लेट्स ट्राई दिस साइड। ये इतने पोर्शन में लग चुका है, अब वेट करना है हमें 6 मिनट तक। तो 6 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से है, अभी भी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है बट उसमें लिखा हुआ है कि 6 मिनट के ऊपर आपको नहीं अप्लाई करना है, तो मैं इसको रिंस करने जा रहा हूँ। तो यू गाइस कैन सी बाल बिल्कुल भी साफ नहीं हुए हैं। गाइस हमने इसको टेस्ट कर लिया है और ये बिल्कुल भी प्रॉपरली हेयर रिमूव नहीं कर पाई, काफ़ी सारे मेरे बाल वैसे के वैसे ही रहे। इसका जो टाइम इन्होंने मेंशन किया है कि 6 मिनट का, वो बहुत ज़्यादा कम है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको 10 मिनट तक रख सकते हैं तो बाल शायद हटा दे परमानेंट, तो दूर की बात। जो नॉर्मल हेयर रिमूवल होता है वो भी इसने नहीं किया है प्रॉपरली और स्मेल वगैरह इसकी डिसेंट थी, कुछ भी ऐसी बहुत ज़्यादा ऑड नहीं थी। तो मैं इसको देने वाला हूँ सिर्फ 4 नंबर क्योंकि जो मेन काम था इसका बाल हटाने का वही इसे नहीं किया, सो दिस इज टोटली फेल फॉर मी। द नेक्स्ट वन इज मामा अर्थ की हेयर रिमूवल क्रीम और हेयर वैनिश जेल जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को कम करने में खत्म करने में काफी हेल्प करता है, सो दैट मींस कि ये परमानेंट हेयर रिमूव करता है। सो ये जो पूरी किट है ये मुझे पड़ी है 449 रुपीज की। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल पैराबीन और सिल्कन फ्री है, कोई भी केमिकल नहीं है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और इसको हमें वुड का जो स्पैचुला है उससे लगाना है, सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ इस एरिया पे, यहाँ पे मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, सो ये मैंने लिया इसको स्पैचुला में, तो इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी जैसे दोनों प्रोडक्ट्स में आ रही थी गंदी स्मेल वैसी नहीं है। एंड अब मुझे इसको छोड़ना है 6 से 8 मिनट के लिए, आई विल सी यू आफ्टर 6 to 8 मिनट। सो अब 6 से 8 मिनट हो गए हैं और मैं आ गया हूँ इसको निकालने के लिए एंड यू कैन सी कि सारे बाल इसमें आ गए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम और पूरा एरिया यहाँ से क्लीन हो गया है। लेट्स वॉश इट विद वाटर। सो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे पूरा पैच बन गया है और यहाँ से पूरे बाल साफ हो गए हैं। अब अप्लाई करते हैं ये हेयर वैनिशिंग जेल। गाइज हमने इसको अप्लाई कर लिया है एंड बहुत अच्छे से इसने बाल हटाए हैं, कहीं पर भी बाल मेरे रह नहीं गए हैं
और बिल्कुल भी जलन नहीं थी और गंदी स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत अच्छी और सूदिंग स्मेल थी। मैं इसको देने वाला हूँ 10 में से 10 नंबर। कोई भी मुझे पॉइंट्स काटने की इसमें कोई जरूरत नहीं महसूस हुई है, ना स्मेल गंदी है, बाल भी इसने अच्छे से हटाए हैं। तो इस मामाअर्थ की हेयर रिमूवल क्रीम और हेयर वैनिश जेल को मैं देने वाला हूँ 10 out of 10। सो ये पूरी तरह से पास हुआ है। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे वियर्ड परमानेंट हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हैं। मैं बहुत ज्यादा ईगर था ये जानने के लिए कि सच में वैसा ही वर्क करते हैं जैसा ये क्लेम करते हैं या नहीं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं अपने खुद के पैसों से खरीदे हैं। सो डोंट थिंक कि मुझे मामाअर्थ ने पे किया है ये बोलने के लिए। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।